हेलो, माय नेम इज़ सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, PPMET के 2022 के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। 21 जून को हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है कि फॉर्म अब आप अप्लाई कर सकते हैं, और 30 जून इसकी लास्ट डेट है एंड 10 जुलाई को जो एंट्रेंस है होगा। इस एग्ज़ाम के बारे में हम कुछ डिटेल में और पॉइंट्स जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप PPMET अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले हैं, या PPMET के साथ समहाउ रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, 21 जून को जैसे ये नोटिफिकेशन हमें मिलता है कि आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं और 10 जुलाई को पेपर होगा, तो आज 23 जून हो चुकी है, सुबह के लगभग 6 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं चेक कर रहा था कि प्रॉस्पेक्टस जो है वो बच्चे ओपन नहीं कर पा रहे। मैंने अभी ओपन करके देखा, प्रॉस्पेक्टस में ये एरर आ रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर क्लिक करते हैं तो भी एरर आ रहा है, तो अभी तक प्रॉस्पेक्टस और इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर अपडेटेड नहीं है। तो उससे हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें कई चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है। जैसे जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये पूछ रहा है, डू यू फॉल अंडर एग्जेम्पशन और रेफर टू पेज नंबर 26 ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो हमें पता नहीं कि किस एग्जेम्पशन की बात हो रही है, हम उसमें फॉल करते हैं कि नहीं, येस पे क्लिक करना है कि नो पे क्लिक करना है, हमें प्रॉस्पेक्टस देख के पता चलेगा, और प्रॉस्पेक्टस अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत सारी बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनकी डिटेल्स हमें प्रॉस्पेक्टस से मिल सकती है। जैसे परफॉर्मर्स होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, या किसी और कैटेगरी के लिए, तो वो परफॉर्मर्स भी मोस्टली प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होते हैं, तो वो हम अभी तक देख नहीं पा रहे। और अभी आज 23 जून हो चुकी है और 30 जून इज़ द लास्ट डेट। तो हमारे पास देखा जाए 23 जून, अगर आज भी प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हो जाता है तो, अभी सुबह के 6 बजे हैं, अभी तक नहीं हुआ था, अगर मान लो आज भी डे टाइम में हो जाता है तो बच्चों के पास लगभग एक हफ्ता है 23 जून से लेके 30 जून तक। और इसी एक हफ्ते में उन्होंने फॉर्म अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, और अपना जो कई बच्चे विलेजेस में हैं उनके लिए ये न्यूज़ तक का पहुँच पाना कि फॉर्म्स आ चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस आ चुका है, कई बार ये उन तक न्यूज़ पहुँचने में ही टाइम लग जाता है। और इसमें पेमेंट मोड भी शायद सिर्फ ऑनलाइन दिया गया है, तो कई विलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो समटाइम्स बैंक चलान के थ्रू कंफर्टेबल होते हैं, तो ये छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स उसमें हैं। तो 30 जून तक क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि अब 100 प्लस कॉलेजेस जो हैं वो PPMET के अंडर आते हैं जो नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, 100 प्लस कॉलेजेस। तो हर कॉलेज में वेरिएबल नंबर ऑफ सीट्स हैं, किसी में 50, किसी में 100, किसी में कितनी, तो ये सारे PPMET के थ्रू जो नर्सिंग में एडमिशन है PPMET के थ्रू देते हैं, तो बहुत सारे जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं इस एंट्रेंस के थ्रू। और 30 जून तक बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो विलेजेस से हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इतनी जल्दी ये सारा कुछ प्रोसेस करना। और अभी अभी जस्ट 15 जून को CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और 21 जून को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है, और अभी तक CBSE का क्या रिजल्ट भी नहीं आया, तो रिजल्ट में क्या अप्लाई करना है, रिजल्ट अवेटेड करना है या रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो थोड़ी क्लैरिटी उसकी भी नहीं मिल रही। तो ये लगातार हमें स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या कॉल्स के थ्रू पूछ रहे थे। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम भी नहीं बता पा रहे, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम भी टीचर्स भी प्रॉस्पेक्टस से ही देख के बता पाते हैं, और अभी तक दिस ईयर का प्रॉस्पेक्टस हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट, आज 23 जून हो चुकी है और 10 जुलाई को पेपर है, तो लगभग हमारे पास 17-18 दिन हैं, और इस 17-18 दिन में हमें पेपर की प्रेपरेशन करनी है। लेकिन एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब भी तो प्रॉस्पेक्टस में ही आना था। तो हमें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर नहीं पता, दिस ईयर का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, और पिछले साल के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के हिसाब से या तो तैयारी करनी पड़ेगी, और इस साल अगर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर चेंज होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ प्रॉस्पेक्टस को जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाना चाहिए, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कंडक्टिंग अथॉरिटी से। अब नेक्स्ट, अब ये इतने लिमिटेड डेज में स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन करना भी डेफिनेटली टफ हो रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से कॉम्पिटिटिव थोड़े अलग होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आप सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और थोड़ा सा लेवल का भी डिफरेंस रहता है, तो ये बच्चों के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पर आ रही है। और दिस ईयर का जो हमारा PPMET एग्ज़ाम है वो नीट एग्ज़ाम से भी पहले हो रहा है। अब उससे ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि किसी बच्चे ने मान लीजिए नीट अप्लाई किया है, वो डेफिनेटली PPMET भी कर
सकता है अप्लाई अपनी सेफ साइड के लिए। तो पीपीएमईटी में, क्योंकि पीपीएमईटी एग्जाम पहले है, मान लो वो पीपीएमईटी में अच्छा स्कोर करके ले लेता है। अब बिकॉज पीपीएमईटी एग्जाम पहले है तो क्वाइट ऑब्वियस पीपीएमईटी का जो रिजल्ट है वो भी नीट से पहले आ जाना चाहिए। तो पीपीएमईटी के अंडर वो रिजल्ट में क्वालिफाई करके किसी में एडमिशन जो है वो ले लेता है और बाद में नीट क्वालिफाई होगा अगर तो वो नीट में एमबीबीएस में या बीडीएस में जिसमें भी जाना होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पर सीट फिर से वेकेंट हो जाएगी और फिर ये नर्सिंग की वेकेंट सीट्स को नेक्स्ट काउंसलिंग्स के थ्रू फिल किया जाएगा। अब पिछले साल भी हमारे पास जो कई स्टेट लेवल एंट्रेंसेस में, फॉर एग्जांपल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, सीईटी में, ये सब हमें देखने को मिला कि नीट की काउंसलिंग्स लेट होने की वजह से सीट्स जो वेकेंट हुई वो बाद में हुई, उसकी वजह से फिर नेक्स्ट काउंसलिंग्स काफ़ी डिलेड तक चलती रहीं और बच्चों के कईयों के सेमेस्टर्स काफ़ी लेट शुरू हुए। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अगर पीपीएमईटी नीट से पहले होता है तो। तो हमारी कंडक्टिंग अथॉरिटीज से ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तो अप्लाई करने की डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए ताकि मैक्सिमम बच्चे अप्लाई कर सकें, बिकॉज 100 प्लस कॉलेजेस भी इसी एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड हैं जो एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग में थ्रू पीपीएमईटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जब अप्लाई कर पाएंगे तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो फिल हो पाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करें, इसलिए थोड़ा सा लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और जो एग्ज़ाम डेट है उसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, एग्ज़ाम डेट को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से प्रेपरेशन कर सकें। और प्रॉस्पेक्टस को तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए ताकि बच्चों को पता चले कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आने वाला है, क्या कैसे प्रेपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और अप्लाई करते टाइम जो परफॉर्मेंस चाहिए, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स कोटा है या कोई और कैटेगरी का है, तो वो परफॉर्मेंस अपने प्रॉस्पेक्टस से देख सकें। तो प्रॉस्पेक्टस जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो और एग्ज़ाम डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो और अप्लाई करने की डेट थोड़ी सी पोस्टपोन की जाए या एक्सटेंड की जाए, ये हमारी सिंसियर और हम्बल रिक्वेस्ट है कंडक्टिंग अथॉरिटी से। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अप्लाई किया है या आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक चाहे करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा विद हैशटैग पोस्टपोन पीपीएमईटी। आपने जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और हो सके तो कंडक्टिंग अथॉरिटीज तक पहुँच सके ताकि कोई डिजायर्ड डिसीजन जो है वो लिया जा सके। बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। आप भी अपने व्यूज इस वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं पीपीएमईटी के लिए तो करते रहिए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से जरूर करते रहिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।